पिछले कुछ दिनों से भारत के उत्तरी हिस्से में हो रही गतिविधियां भारतीय न्यूज चैनल्स के लिए काफी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। लखीमपुर खीरी मोही हिंसा, सिंगू बॉर्डर पर हुई दलित की हत्या, कश्मीर घाटी में हो रहे आतंकी हमले, इन सभी विषयों ने हेडलाइंस में अपनी जगह बना रखी है। लेकिन अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की घाटियों में हो रही आतंकी घटनाएं बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। चलिए इससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर पिछले एक महीने से जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं राष्ट्र दरबार। जम्मू कश्मीर में इस महीने की शुरुआत से ही कई आतंकी संगठनों द्वारा जम्मू कश्मीर के गैर कश्मीरी या यूं कहें आम बाहरी राज्यों के लोगों को टारगेट कर मारा जा रहा है। जहां इन जानलेवा घटनाओं में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार के गरीब प्रवासी लोग शामिल हैं। आतंकवादियों ने अपनी कायराना हरकत को दर्शाते हुए टारगेट बनाकर लोगों को मारना शुरू कर दिया है। आतंकवादियों ने श्रीनगर के लाल बाजार में रेडी लगाने वाले बिहार के भागलपुर से आए वीरेंद्र पासवान को गोली मार दी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में अपना खौफ फैलाने के लिए लगभग पिछले 16 दिनों में 11 आम लोगों की हत्याएं की हैं, जिसमें ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के शामिल हैं, जो कि ग्रामीण इलाकों से निकलकर रोजगार की तलाश में कश्मीर आए थे। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में कश्मीर के अंदर कई मजदूरों को टारगेट बनाया गया है। दक्षिणी कश्मीर के कुलगांव में स्थित बिहार के 3 लोगों को क्रूर आतंकवादियों ने अपनी गोली का शिकार बनाया था, जिसमें से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 1 मजदूर को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया था। इससे पहले शनिवार को भी श्रीनगर के ईदगाह इलाके में बिहार के रहने वाले अरविंद कुमार शाह, जो कि श्रीनगर में रेड़ी लगाकर पानीपुरी बेचकर अपना और अपने घर वालों का भरण पोषण करते थे, उन्हें भी आतंकी हमलावरों ने अपनी क्रूरता का शिकार बनाया। इसके साथ साथ आतंकवादियों ने शनिवार को ही पुलवामा में सागिर अहमद को गोली मारी थी, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और पेशे से कारपेंटर था। इन सभी आतंकी घटनाओं के चलते जम्मू कश्मीर में रहने वाले सभी पूर्वोत्तर राज्यों के प्रवासी मजदूर वर्ग इस जगह को छोड़ जाने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि उनके मन में जम्मू कश्मीर में हो रही आतंकी घटनाओं को लेकर दहशत भर चुकी है। बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर पहुंचकर अपने अपने घर जाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इन सभी घटनाओं के बीच भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मंत्रियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने स्पेशल ऑपरेशन के लिए एक टीम दिल्ली से कश्मीर भेजी है, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडो शामिल हैं। प्रशासन द्वारा घाटी के कुल 11 इलाकों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। आइए अपने डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल सुशील पठानिया से जान लेते हैं कि क्यों आतंकवादियों ने ज्यादातर अल्पसंख्यकों और गैर कश्मीरियों को अपना निशाना बनाया है। जम्मू एंड कश्मीर में इस समय जो सिचुएशन है वो काफ़ी चिंताजनक है। अभी हाल ही में कश्मीर घाटी में गैर कश्मीरियों को जो टारगेट किया गया, उन वर्कर्स को जो बेसिकली यूपी और बिहार से संबंध रखते हैं, तो ये किलिंग क्यों हो रही है और इसके पीछे डिज़ाइन क्या है? बेसिकली ये एक बहुत ही लाउड और क्लियर मैसेज है कि आप कश्मीर के अंदर वेलकम नहीं हैं, और अगर आप कश्मीर में आते हैं तो आपके उसके दुष्परिणाम जो हैं वो भोगने पड़ेंगे। तो ये स्ट्रेटजी पाकिस्तान की है, जो चाहता है कि पूरे जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा मिले और ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए प्रॉक्सी वार के थ्रू कि उनको अपनी इंटरनेशनल माइलेज भी मिले और उनकी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है वो भी इसमें खुश रहे। इसी के साथ आप ये भी देखिएगा कि अभी जम्मू रीजन के अंदर जो पिछले कुछ दिनों से जो एनकाउंटर चल रहा है, उसमें हमारे 9 जवान शहादत को प्राप्त हुए हैं। तो ये ज़रूरी है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पे रहें, इंटेलिजेंस ग्रिड को स्ट्रॉन्ग करें, ह्यूमन इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस उसको पूरी तरह यूज़ करें, और जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर हैं, स्लीपर सेल और जो मिलिटेंट हैं उनको पूरी तरह से एलिमिनेट किया जाए, ताकि जम्मू एंड कश्मीर में जो शांति की प्रक्रिया भी बहाल हो रखी थी उसको डिस्टर्ब होने से रोका जाए। थैंक यू, जय हिंद। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यूपी और बिहार की सरकारें अपने चुनावी मैनिफेस्टो और रैलियों में हमेशा पूर्ण रोजगार का वादा करती हैं, लेकिन जब इनकी सरकार बन जाती है तो इन वादों को धरातल पर उतारने में ये सरकारें नाकाम साबित होती हैं, जिसके कारण यहाँ की ग्रामीण जनता को जम्मू कश्मीर जैसी संवेदनशील जगहों पर रोजगार के लिए जाना पड़ता है।
कश्मीर घाटी में हो रही बेकसूरों की हत्याओं में इन राज्य की सरकारों का भी हाथ है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्र दरबार। धन्यवाद।